Sí. भैया बता दे यार कैसे पूछे थे, वो तो बन गया नहीं। यहाँ पर पुरानी घड़ियाँ हैं और यहाँ पर कुछ भी निकल सकता है, कह नहीं सकते। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहले महल हुआ करता था और अक्सर दूत वगैरह। ये तो मकान कौन कहते जी? हम पुराने ज़माने के मकान हुआ करते थे और अभी भगवान ने विराजमान है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहाड़ एरिया है, बहुत ऊंची जगहों पर मकान बनी हुई थी। यहाँ पर पहले ज़मानों के मकान थे। यहाँ कहते हैं कि कुछ खोदो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलता है, ये नहीं कह सकते क्या मिलना, मगर यहाँ पर ज़रूर खोदने के बाद कुछ ना कुछ मिल जाती है। आपको गड्ढे दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर गड्ढे हैं। अगर आपको जी नज़र आ रहे हो तो यहाँ पर जी गड्ढे दिख रहे हैं, और यहाँ पर ये खुदाई हुई थी और जी मकान बने हुए हैं, पुराने ज़माने के मकान हैं। और जो ईंट वगैरह लगी है आप देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पुराने ज़माने की ईंटें हैं, ये आज के ज़माने की ईंट नहीं है दोस्तों। और भैया जी, आपको जैसे पता होगा कि ये देखिए, यहाँ पर ये पुराने ज़माने का जी रखा हुआ है, यहाँ पर खुदाई में मिला हुआ, कुछ भी मिला हुआ ये नहीं कह सकती। और देखिए, चलिए और आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है यहाँ पर। देखिए मोर का भागरा हुआ है, डरा हुआ है यहाँ पर। ये हम उठा लेते हैं, यहाँ पर दूरी वगैरह रखी हुई है। और यहाँ पर स्थान बहुत कांटे वगैरह भी हैं यहाँ पर। ये पुराने ज़माने के मकान है, ये आज के नहीं है, लगभग 1000-2000 साल पुराने तो होंगे यहाँ पर। यहाँ देवी देवता हैं, यहाँ पर रहते हैं। चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या मिलता है हमको। दादा राम राम। अरे राम राम भैया, और बस बढ़िया दादा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा दादा, देखत पड़ रहे हैं आपकी यहाँ गाड़ी में। इधर क्या माल मसाला? अरे माल मसाला नहीं देख रहे दादा, आपके यहाँ की वीडियो बना रहे हैं हम तो। अच्छा हाँ, बहुत अच्छी बनाओ। तो पत्रकार हो आप भैया? हाँ दादा, वीडियो बनाए हम। नहीं वो चल रहा है दादा, आबादी वाले नक्शा बन रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, कैमरा आएंगे बड़े वाले तो उनसे नपाई चल रही दादा। हाँ हाँ, वो नक्शा बनेंगे, आबादी मिलेगी आदमी ने, जो उनकी जगह वगैरह नहीं है। हाँ, चौथा वगैरह बना हुआ है, जिनसे घड़ी वगैरह बोलते हैं, और यहाँ पर देवता होते हैं, दादा वगैरह यहाँ पूजा करते हैं। रास्ता बहुत खतरनाक है, ये अभी दादा बोल रहे थे यहाँ पर, पटवारी महोदय द्वारा ये काम चल रहा है, आबादी वाला पट्टा काम चल रहा है यहाँ पर जी, डल चुका है।
हम बहुत ऊंची चोटी पर बसे हुए हैं, आ गए हैं, तो इस कारण से हैं यहाँ पर मंदिर वगैरह हैं और घर भी हैं अभी कुछ जो उछाड़ के बच गए। मंदिर बहुत पुराना, और दोस्तों ये बहुत पुराना मंदिर है, ये रावण भगवान का मंदिर है। इसमें आप देख रहे हैं 10 शीश हैं, ये आप देख रहे होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हम कितने ऊपर पे हैं, आपको बता देता हूँ। यहाँ से चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको। भैया जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी में शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नया नया वीडियो डालूं, नई नई खोज करूं, आपको दूं आपको देखने के लिए। तो दोस्तों ज़रूर कर दीजिए। और देखिए द्वार है, पुराने बहुत साल पुराना द्वार है। हाँ आ रहे होंगे, देखिए पहले जमाने का रास्ता हो, देखिए ये बहुत ऊंचा है। और यहाँ पर ये मंदिर है, ये आप देख रहे हैं राधा कृष्ण का मंदिर है। और यहाँ पर आपको खुदाई के दौरान तो जरूर मिलना जरूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पर गणपति महाराज की मूर्ति स्थापित है, यहाँ पर आज की नहीं है, मूर्ति बहुत पुरानी है। अंदर बना हुआ, चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या मिलता है हमको। दोस्तों ये स्थान मैं आपको बता देता हूँ, अशोकनगर से 11 किलोमीटर दूरी पर है ये स्थान। और इस स्थान इसका नाम है डोंगरा पछार। दोस्तों यहाँ पर बहुत पुरानी मंदिर भी हैं और यहाँ पर कहने को बहुत पुराने ही कह सकते हैं, लगभग पता तो नहीं है कोई भाई बता नहीं रहा। तो यहाँ पर ये पुरानी चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पर यहाँ सब छोड़ के नीचे बस चुके हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत पुरानी क्या बोलते हैं चूना पीसने वाली से बोलते हैं, यहाँ पर चूना वगैरह पिसता था, राजा महाराजा पीसते होंगे यहाँ पर के कर्मचारी वगैरह। और देखिए ये बहुत पुराना नीम है, जितने भी मंदिर वगैरह हों या कुछ किला वगैरह होते हैं सबसे ऊंची पहाड़ियों पर बसते हैं और हम बहुत ऊँची पहाड़ों और नीचे हैं। और ये मंदिर है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों पूरा खंडर हो चुका है यहाँ पर, ना कोई देख रेख है ना कुछ है।
तो भैया जी मेरे जो वीडियो है उसको ज़रूर लाइक कर दीजिए। और जो देखिए मुझे अभी मोर का भाकरा मिला हुआ है, तो आप सभी दोस्तों से एक निवेदन है, तो सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो। और चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं और वहीं बात करते हैं। चलिए थैंक यू। टाइम बर करते हैं इसको।